ओम शांति, बुद्धिमत्ता, समझदारी क्या है, इस विषय को आज हमने शुरू किया है। पहला दिन है, उसमें हम नैतिक मूल्यों को देखेंगे कि किस नैतिक मूल्य को हम अपने जीवन में किस प्रकार से धारण कर सकते। आज का नैतिक मूल्य है विश्वास, जिसका मतलब होता है दूसरों पर भरोसा, उनसे सहयोग जीतना है। जितना हम दूसरों पर भरोसा करेंगे, उनसे सहयोग जीतेंगे, जितना उनके दिल में हम पर भरोसा होगा, उतना सहयोग मिलेगा। ये दोनों अर्थ रखता है, दूसरों पर भरोसा, मुझे दूसरों पर भरोसा है तो उनसे सहयोग मिलेगा, उनके दिल में मैं दूसरा हूं, मेरे पर भरोसा है तो उन्हें भी मेरे से सहयोग मिलेगा। भरोसा ही सहयोग देने और लेने के निमित्त बनता है। इस पर हम विस्तार से चिंतन भी करेंगे। दूसरों पर विश्वास करने का अर्थ दूसरों के विश्वास को अपने आप में मजबूत भी करना है। ये स्वाभाविक रूप से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनके अंदर उत्साह पैदा करता है। तब वे सकारात्मक भावनाओं का जवाब देने और अपनी पूरी क्षमता का आकलन करने में सक्षम हो जाते हैं। तभी वो, क्योंकि विश्वास होगा, तभी वो अपना पूरा, अपनी जो भावनाएं हैं, सकारात्मक भावनाएं हैं, उनको देना और अपनी पूरी क्षमता को आकलन करना, उसमें भी सक्षम हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे अपने जीवन में। अगर मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया है वो मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा है, तो मुझे उस व्यक्ति में अपने विश्वास की जांच करनी है। मुझे उस व्यक्ति में कितना विश्वास है, जब मैं उनके अद्वितीय गुणों के लिए, जो कोई दूसरा नहीं जानता, ऐसे गुणों के लिए उनकी सराहना करने में सक्षम हो जाऊंगा, फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा कर दूंगा, तो उस व्यक्ति में मेरा विश्वास बढ़ेगा। जैसे जैसे मेरा विश्वास विकसित होता है, वैसे वैसे मेरे प्रति दृष्टिकोण भी होगा। धीरे धीरे हम करीब आते जाते हैं और साथ में अधिक आसानी से काम करने में सक्षम होते हैं। सा ओम शांति।